आप सभी का वेलकम मेरे चैनल साथी बनेंगे आप व्लॉग्स में। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अभी 12 बजे से। और सात्विक स्कूल से आ गया है, पुनी लोग गए हैं कालिका मुंडन में और हम लोग भी थोड़ी देर में जाएंगे ऊपर बिशन मामा की शादी में। जा रहे हैं अब शादी में खाना खाने के लिए, अभी आ रहे हैं एकाध करके। सात्विक के पापा और सात्विक जा रहे हैं आगे आगे और उनके हाथ में जो थैला है वो ले जा रहे हैं हम शिले, सर में बांधने वाली पगड़ी जो हमारी तरफ से दूल्हे को देते हैं और पैसे शगुन के लिए। कहाँ जा रहे हैं? सात्विक बज रहे हैं 3 और हम लोग जा रहे हैं हाट देवल के पास कालीन खरीदने के लिए। मुर्गियों को दाना चावल और कह रहे कि पानी भी दे देता हूँ, तो वो जा रहे हैं पानी लेने के लिए। तब तक मैं पहुँचती हूँ रोड में क्योंकि भैया भी आ रखा है, तो भैया लेके जाएगा हम लोगों को लेने के लिए। पहुँच गए हैं देवल और यहाँ चढ़ रहे हम चढ़ाई और यहाँ पे धूप नहीं पड़ रही तो थोड़ा ठंडा हो रहा है। सुनील तो बस चलते ही चले जाते हैं, उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती चढ़ाई से। मैं मोटी इतनी हूँ कि मुझे चढ़ने में बहुत सांस फूल जाता है। जहाँ कालर मिलेगा तो यहाँ है काले नोनों का गोदाम। बैल ने मगदा अगर क्या पता हमारे घर में कोई और ले है। हम कालीन लेके भैया नीचे तक गाड़ी तक पहुंचा दे रहे हैं, तो चलते हैं अब घर की तरफ। ये भैया चले गए आगे आगे, भैया बहुत अच्छे हैं, नीचे गाड़ी तक पहुंचा देंगे। अब गाड़ी के पास भैया गाड़ी में सामान रखवा रहे हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ। आज निकलेंगे हम गाड़ी वगैरह की तरफ। चलो ठीक है फिर भैया, हाँ धन्यवाद। अब घाटी बगट और ये देखो फील्ड में लगा पांडा, शादी है यहाँ। हो गई है रात, मतलब रात ही हो गया, 7 बज गए शायद, तो अब चलते हैं घर की तरफ। मम्मी लोग भी इंतजार कर रहे होंगे। हमारे और हम लोगों ने खाई पैटीज चश्मा को तो नहीं रुकती हुई बहन। और ये है सात्विक, दोनों केक के लिए लड़ रहे हैं पेस्ट्रीज के लिए। मेरा है कैसा वाला? हेलो भाई साहब, पहुंचो पहुंचो। ऊपर घर मीना लोगों के यहाँ, तो अब यहाँ खाना बनाते हैं। तो आज हम लोग शाही लोग आए हैं, तो मीट ही बनेगा। अंदर अभी चिकन बना रहे हैं और बाहर कॉलेज चूल्हे में मटन बन रहा है और भाभी बना रही है रोटी। चावल बन चुका है, दाल भी बन चुकी है, बड़ी भाभी जो रोटी बना रही है। और इधर साइड के चूल्हे में उन्होंने प्याज रख दिया जलने के लिए, तो मैं इसमें चिकन बनाऊंगी। तो यहाँ बैठे हैं हम लोग ये बाहर, अब खाना खाना खा के ये आग चला रखा है। बाहर दीवान सर 11 बजे वाला लेना था, और अब हीटर तो ताला का लगा था कि या नहीं है। ठीक है, जाके ठीक टाइम पे वापस आना तो ठीक है। 10-11 बजे आना राजा, दीदी नहीं आके और बिस्तर लगाओ टाइट, बिस्तर खूब लगाओ टाइट पता है। हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम मेरे चैनल साथी बनेंगे आप व्लॉग्स में। और व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज
नमकीन में काटी वगैरह गांव से और हो रहे हैं अभी सुबह के 8। तो आज जा रहे हैं एनु सैम लोग, बोला मजे नहीं, तो एनु लोग सैम लोग जा रहे हैं कलकत्ता। या फिर ऐसे उड़ते हैं या फिर ए टोपी हाथ में ला। तो जाने से पहले अपनी तहलीज में ठोमा करके जाते हैं हमारे रंग लोग, कोई भी हो। तो बाय करते भैया, फोन को मैंने देखा वो तो चले गया भाजिया। आज भैया को भी हकी का दादी बात के मां हकी का दादी को फोन दिया रे जी है ना दादी ने साथ आओ दी ओ देखी ने हकी कर फिर हकी कर फिर हकी कर फिर पढ़ाई करना ठीक है, मम्मी का कहना मानना। पूर्ण मेरा बच्चा तो आज जा रहे हैं भैया लोग कलकत्ता से। हम इनकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं भैया लोगों की, तो अभी गाड़ी पे सामान लाद रहे हैं। ये हैं मम्मी पापा, सभी लोग बाय बाय बोलने के लिए आए हैं, भैया सात्विक और मयंक। से आई तू कंबल लेगी गाड़ी में रख दे, तू तो आदमी घर लेके जाएगी क्या? आगे तो है तो 50 में दत्ते लगते ना सैम सैम। सैम को मिले जाने से पहले खूब सारे पैसे उसे दिए सभी लोगों ने, बहुत सारे रुपए, और वो तो बहुत खुश हो गया था। एनु को भी मिले पर एनु को कम ही मिले, साथ सैम के बराबर नहीं मिले। बुआ को दे कुछ खाना है? खाते नहीं। को दे डैडी को ये साथी का इधर तेरे को बताएगा मैं बोल के। देखो मामी ना आपको अमेरिका ले जा रही है, अमेरिका। कल आ जाएगी। हेलो बताओ कब आओगी, बताओ। अच्छी एनु बाय एनु
बाय। चलो कबाड़ी मम्मा नहीं यार, करो दरवाजा बंद करो। मत रुलाओ रे बेचारी को, ज्यादा चिंता में पड़ गई वो तो पाए लाने। क्या तुम्हें बेच के जाओ? हम जा रहे पढ़ना वापस कर दे। ऊपर से आ रहा है पीछे पीछे खाली खा जा गया वापस।